नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं वीकेंड का सबसे प्रभावी कार्यक्रम ये देश है हमारा। जीवन में कर्म का बहुत बड़ा महत्व होता है और गीता में कहा गया है कि कर्म का फल जरूर जरूर मिलता है, लेकिन आज की सियासत का कर्म जाति और धर्म के इर्द गिर्द ही घूम रहा है। सबको सत्ता वाले फल की इच्छा है, शायद इसलिए राहुल गांधी ने जातिगत जनगणना का जो मुद्दा लोकसभा चुनाव में छेड़ा था, जो तराना छेड़ा था, वो अब नेताओं, अभिनेताओं और मिस इंडिया की जाति पूछने तक आ पहुंचा है। दूसरी ओर योगी आदित्यनाथ ने जातियों में बटे हुए हिंदू समाज के लिए से एकजुट होने की अपील कर डाली है। योगी आदित्यनाथ ने बांग्लादेश की याद दिलाकर कहा है कि बटोगे तो कटोगे, लेकिन लोकसभा चुनाव के दौरान वोट जिहाद की अपील करने वाले नेताओं को योगी आदित्यनाथ की अपील में विभाजनकारी सोच और पॉलिटिक्स नजर आ रही है। इसी बीच मौलाना साजिद रशीदी, जो कि जाने माने मुस्लिम धर्म गुरु हैं, उनका बेहद आपत्तिजनक वीडियो सामने आया है, बयान सामने आया है। एक तरफ वक्फ बिल पर जेपीसी चल रही है और उसकी दूसरी बैठक हुई है, तो दूसरी तरफ साजिद रशीदी कह रहे हैं कि मुसलमान तैयार हो जाओ क्योंकि अब सड़कों पर आने का वक्त आ गया है। लेकिन आज का सबसे बड़ा प्रश्न है जाति वाली पॉलिटिक्स के जरिए हिंदुओं में दरार की और गहरी करने की क्या साजिश हो रही है, कोशिश हो रही है? आज इसी मुद्दे पर होगी देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल बहस, जाति और धर्म, सियासत का कर्म, आज यह देश है हमारा में मेरे युवा मित्रों के साथ इसी विषय पर एक बड़ी चर्चा हो। जिसको नमाज पढ़ना है जरूर हो अपना नमाज अदा करेगा, उसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जो 2 घंटा वाला छुट्टी थे वो अभी से आगे नहीं होगा। महाराष्ट्र में सिंधु दुर्ग में शिवाजी महाराज की प्रतिमा गिरने के बाद जो सियासी तूफान मचा हुआ था, उस पर पीएम मोदी ने आज बहुत बड़ा बयान दिया है। छत्रपति शिवाजी महाराज ये सिर्फ नाम नहीं है, हमारे लिए छत्रपति शिवाजी महाराज आराध्य देव है। मैं आज सर झुका करके मेरे आराध्य देव छत्रपति शिवाजी महाराज की उनके चरणों में मस्तक रख के माफी मांगता हूं। इससे पहले सीएम एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और डिप्टी सीएम अजीत पवार शिवाजी महाराज की प्रतिमा गिरने पर माफी मांग चुके हैं, जबकि उद्धव गुट इस मसले पर महाराष्ट्र सरकार को घेर रही थी। सिर्फ माफी से तो काम नहीं चलने वाला प्रधानमंत्री जी, आपके मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, उप मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि यह प्रश्न सिर्फ मूर्ति का नहीं है, यह हमारी अस्मिता का प्रश्न है। लोकसभा चुनाव के बाद एनडीए वर्सेस इंडिया गठबंधन के बीच घमासान बढ़ता जा रहा है। राहुल गांधी अपने जाति वाले कार्ड पर और ज्यादा मुखर हो गए हैं। तो मैंने लिस्ट निकाली मिस इंडिया की, मैंने कहा भैया एक दलित महिला तो होगी, एक आदिवासी महिला तो होगी, ना ना दलित है, ना आदिवासी, ना ओबीसी, कोई नहीं। जाति जनगणना इंस्टीट्यूशनल सेंसस हम कराएंगे। कितनी अजीबोगरीब और शर्मनाक बात है कि देश के पार्लियामेंट का एलओपी एक फेरिस्ट देख रहा है मिस इंडिया की। मतलब परिपक्वता की जो कमी है, ज्ञान की जो कमी है, वो साफ दिखती है। दूसरी ओर योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर हिंदुत्व के झंडे को बुलंद कर दिया है। राष्ट्र से बढ़कर भी कुछ नहीं हो सकता, और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। बांग्लादेश में देख रहे हो ना, वो गलतियां यहाँ नहीं होनी चाहिए। उनको नजर आ रहा है कि उन्हीं की पार्टी के लोग उनको हटाना चाहते हैं मुख्यमंत्री के पद से, तो शायद वो बीजेपी को कह रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे। ये हमले वहीं होते हैं जब कोई देश धार्मिक कट्टरपंथ, धार्मिक रंग में रंगा जाता है। इस बीच वक्फ बिल पर जेपीसी की दूसरी मीटिंग से पहले मौलाना साजिद रशीदी ने बेहद भड़काऊ बयान दे दिया। तमाम मुसलमान एक कलमे पर ला इलाहा इल्लल्लाह पर जमा हो जाओ, और सड़कों पर हमें आना पड़ेगा, यकीनी तौर पर आना पड़ेगा, नहीं आओगे
तो अकेले अकेले करके मार दिए जाओगे, अकेले अकेले करके आपको खत्म कर दिया जाएगा। वक्त तो बहाना है, सड़कों पर आ जाना है, कत्लेआम मचाना है, दंगे भड़काना है, यही वोट बैंक की राजनीति करने वाले दुकानदारों का मानना है। हालांकि वक्फ बिल पर भड़काऊ बयान देने वाले, प्रयागराज में मदरसे से पकड़े गए नकली नोट छापने वाले गैंग पर चुप्पी साध लेते हैं, साथ ही वो लोग भी खामोश हो जाते हैं जो आए दिन रेल हादसों पर बड़ी बड़ी बातें करते हैं। लेकिन जब आतंकी फरहतुल्ला वीडियो जारी कर ये साफ कर देता है कि इन हादसों के पीछे टेरर एंगल से इनकार नहीं किया जा सकता, तो वो लोग खामोश रहते हैं। ईच एंड एवरी इंसिडेंट हम लोग डिटेल्ड इंक्वायरी कर रहे हैं और कई इंसिडेंट्स में बहुत ही एक वेरी डिस्टर्बिंग ट्रेंड सा दिख रहा है जिसको सीरियसली लेना चाहिए। सवाल है कि क्या इंडिया गठबंधन जातियों में बंटवारे के सहारे बीजेपी को हिंदुत्व की पिच पर हराने की कोशिश में कामयाब हो पाएगा? और सवाल ये भी कि धर्म के नाम पर क्या कुछ लोग भारत में बांग्लादेश जैसे हालात पैदा करने की फिराक में हैं? तो स्वागत है आपका आर पार की इस बहुत बड़ी चर्चा में। आज की इस बहुत बड़ी चर्चा में आप सबका अभिनंदन है। आज की चर्चा के मुद्दे क्या है? जातिगत जनगणना की मांग वोट के लिए या सामाजिक विकास के लिए? वोट जिहाद की मांग करने वाले हिंदुओं के एकजुट होने वाली अपील का विरोध क्यों कर रहे हैं? वक्फ के नाम पर क्या मुसलमानों को भड़काया जा रहा है, हिंसा के लिए प्रेरित करा जा रहा है? यह बड़ा प्रश्न है। और शिवाजी और सावरकर पर कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है? क्या वाकई शिवाजी का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा बन गया है? इन तमाम मुद्दों पर आज चर्चा होगी और